नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और अपने प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। चौथी आपकी प्रश्नावली क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का अर्थ आप नाम से ऐसे स्पष्ट हो रहा है कि जिस समीकरण में कितने चर हों, दो चर हों, तो वो क्या कहलाते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे आप कोई भी एक समीकरण लिख लो कि एक्स प्लस वाई बराबर दो, तो इसके अंदर कितने चर हो गए? एक्स और वाई कितने चर हो गए? दो चर हो गए ना। तो ये क्या कहलाते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इन्हीं के हलों के बारे में, अनुपातों के बारे में, जैसे अपने पिछली प्रश्नावली में कर रहे थे, सीरीज 40-70 से बी स्क्वेयर माइनस 4ac के मान से अपने निर्धारित कर रहे थे कि इसके हल क्या होंगे, इसके हल अद्वितीय कब होंगे, इसके हल समान होंगे, कब काल्पनिक होंगे। तो उसी तरह दो चर वाले रैखिक समीकरणों में क्या करते हैं, अभी कोई भी पहले आप दो समीकरण ले लो कि अपने समीकरण मान रहे हैं ए वन एक्स प्लस वी वन वाई प्लस सी बराबर जीरो। दूसरी समीकरण मानी ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, ये क्या है? सी वन है। तो इसमें एक्स और वाई तो क्या है? चर हैं, और बाकी जो सारे हैं वो कोई भी संख्याएं हो सकती है, वो क्या है? अचर हैं। तो आपको क्या लेना है? इन्हीं के अनुपातों के आधार पर, जैसे ए वन और ए टू का, मतलब इसमें भी एक्स का और इसमें भी एक्स का अनुपात है, इसमें भी वाई का और इसमें भी वाई का जो अनुपात है, दोनों के जब अनुपात बराबर नहीं होंगे, जब बराबर नहीं होंगे, तब इन समीकरणों के हल क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। तब इन समीकरणों का हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। और ये क्या होंगे? संगत होंगे। कब होंगे अद्वितीय और युग्म संगत? जब इनमें एक्स और वाई के गुणांकों का अनुपात है वो समान नहीं होगा। अब देखो, जब इनका गुणांकों का मान तो समान हो, मतलब एक्स और वाई के अनुपातों का जो गुणांक है, गुणांकों का अनुपात है, वो तो समान हो, लेकिन जो अचर पद हैं उनका समान न हो। जब अचर का समान न हो, तब फिर क्या होता है? कोई भी हल नहीं होता। तब इसका कोई भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं। और क्या होगा? युग्म होगा, वो क्या होगा? असंगत होगा। इस टाइम युग्म क्या होगा? असंगत होगा। अद्वितीय तो होगा जब इनका अनुपात समान नहीं है, लेकिन जब इनका अनुपात तो समान है, अचर पद का समान नहीं है, तो कोई भी हल नहीं होगा और युग्म क्या होगा? असंगत होगा। और जब तीनों ही बराबर हों, जब ए वन ए टू भी बराबर हो, बी वन बटा में बी टू भी बराबर हो, और सी वन बटा में सी टू भी बराबर हो, तीनों ही बराबर हों, तो क्या होता है? असीमित हल होते हैं। तब क्या होता है? असीमित हल होते हैं। और युग्म क्या होता है? संगत होता है। युग्म दोनों में संगत होता है, अद्वितीय हल में भी, असीमित हल में भी। बस जब तीनों बराबर नहीं, दो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तब क्या होता है? कोई भी हल नहीं और असंगत नहीं। आपको ये चीज़ इतनी याद होगी तो 4.1 के जो क्वेश्चन है ना, वो इसी चीज़ पर है कि आपको बस अनुपात देखना है, और देखना है कि बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल, और यदि दो बराबर, तीनों बराबर हैं तो असीमित हल, बराबर नहीं तो अद्वितीय हल, तीनों बराबर हैं तो असीमित हल, और जब दो बराबर हैं और अचर बराबर नहीं है तो क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा, और तब युग्म क्या होगा? तो इस प्रकार अपने हल करते हैं। देखो 4.1 आपको दे रखे हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन देखो, ये है आपको अभी अभी मैंने जो भी समझाया उसमें देखो, इसकी ए एक्स और वी वाई से कल्पना करोगे तो इसमें ए ये है और इसमें ए है। तो ए वन बटा में ए टू अपने निकालें तो क्या आएगा? 2/4। इसी तरह बी वन बटा में बी टू अपने निकालें तो क्या आएगा? 3/6। -3 है और माइनस के ही क्या हैं? 6 हैं। और सी वन बटा में सी टू निकालें तो क्या आएगा? 8/9। क्या आएगा? 8/9। ये क्या है? 2/4 को काट देंगे तो 1/2। इसी तरह इसको काटोगे तो 1/2, और ये क्या रहेगा? 8/9 ही रहेगा। तो अब इसमें क्या कंडीशन लगी? देखो क्या लगी कि ए वन बटा में ए टू तो बराबर है बी वन बटा में बी टू के, कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन बराबर कौन नहीं है? सी वन बटा में सी टू, तो बराबर कौन नहीं है? सी वन बटा में सी टू, तो क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका कोई हल नहीं होगा।
और युग्म क्या होगा? असंगत होगा। और युग्म क्या है? ये असंगत है। और इसका क्या है? कोई भी हल नहीं है। और युग्म क्या है? असंगत है। तो इसी तरह आपको ये सारे क्वेश्चन हल करने हैं। एक और करते हैं, अपने दूसरा जैसे दे रखा है 3x-y=2 और दे रखा है 6x-2y = क्या दे रखा है? 4। ये दे रखा है, तो पहले वही करना है, a1/a2। तो a1/a2 निकालोगे तो क्या आएगा? 3/6। v1/b2 निकालोगे तो क्या आएगा? -1/-2। और फिर c1/c2 निकालोगे तो क्या आएगा? 2/4। इनको हल करो, 3/6 को हल करोगे तो कितना आएगा? 1/2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो क्या आएगा? 1/2। अब इसको भी करोगे तो क्या आएगा? 1/2। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसके क्या हैं? असीमित हल हैं। इसका अर्थ क्या है? इसके क्या हैं? असीमित हल है। और जो आपका निकाय है वो इसमें क्या है? संगत है। निकाय क्या है? संगत है। और क्या है? असीमित हल है। जो दो क्वेश्चन रह गए वो क्या करोगे? आप समय हल करोगे। तो इसी तरह जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी क्या करना है? आपको समीकरणों का युग्म दे रखा है, जैसे x+y = 3 और दे रखा है 3x-2y = 4। ये दे रखा है। पहले तो जैसे इसको हल करके आप x और y के मान निकालोगे और फिर उसकी ग्राफ पर आपको रेखा खींचनी है और ग्राफ के माध्यम से बताना है कि दोनों कब काटती है और इस हल की प्रकृति क्या है। अब देखो, यहाँ से आप x और y के मान निकाल सकते हो कि x और y का वह मान होगा जिनका योग क्या होगा? 3 होगा। तो जब x का मान 0 होगा तो y का मान कितना होगा? 3। अब जब x का मान 3 होगा तब y का मान कितना होगा? 0। जब x का मान 1 रखोगे तो फिर y का मान कितना होगा? 2। और जब x का मान 2 रखोगे तो y का मान कितना होगा? 1। इस तरह आप रख सकते हो कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो फिर इसी तरह इसको हल करोगे और इसको हल करके फिर क्या करोगे? आप उसका मान निकालोगे। जैसे यहाँ से आप क्या करो? 3x करो, माइनस के 2y उधर चले जाएंगे तो 2y+4। अब देखो, जब y का मान 1 रखोगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। x का मान 2 कब आएगा? जब y का मान 1 होगा। इसी तरह जब y का मान 0 रखोगे तो पूरा नहीं जाएगा, पूरा जाए ऐसा करो। अब जैसे 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 4 8 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 4 10 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 दूनी 8 4 रखोगे, जब y का मान आप 4 रखोगे ना तो 4 दूनी 8 और 4 12 12 में 3 का भाग चला जाएगा। 12 में 3 का भाग गया तो x का मान भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखो, ऐसे इस प्रकार आप रख सकते हो। आपको समीकरण हल करनी आती ही है तो उसी तरह रखनी है मान। अब आगे भी और भी मान रख सकते हो कि जैसे 3x/2y+4 है अपने पास। क्या दिया है कि 3x+2y = 4 है। तो आपको 3x-2y है, सॉरी, तो 3x का मान निकालोगे तो 2y उसमें चले गए तो क्या हो गया? 2y+4 हो गया। अब आपको y के ऐसे मान रखने हैं जिसके लिए पूरा भाग चला जाए और ये मान आए। जैसे भी y का मान आप 0 रखते हो तो ये 0 हो गया, तो 3x = क्या आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो 4/3, ये अपने नहीं लेना। अब देखो, 0 रखा तो नहीं हुआ, फिर y का मान 1 रखोगे तो ये क्या होगा? 2 ही बचेगा, 2 और 4 क्या होगा? 6। तो 3x = क्या आ गया? 6। और x का मान निकालोगे तो 6/3 और x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस प्रकार आपको हल करनी है, वही मान लेने हैं। अपने हल किया मैंने, ये आए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? हल समीकरण का हल, मतलब जो दोनों को संतुष्ट करे, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों को संतुष्ट करे, वही क्या होगा? समीकरण का हल होगा। मैंने तो 2 ही निकाले, आप इसके और भी निकाल सकते हो, फिर देख सकते हो भी और संतुष्ट करते हैं या नहीं करते। तो देखो, अब देखो x का मान यहाँ पे कितना है? 2। तो यहाँ पे भी x का मान कितना आया? 2। इसके लिए y का मान 1 है, तो इसके लिए y का मान क्या है? 1 है। तो ये क्या हुआ? दोनों के लिए क्या हो गया? ये कॉमन हल हो गया।
एक्स बराबर दो और वाई बराबर एक, ये दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हल हो गया। और इसका अर्थ क्या हो गया, ये इसका क्या है, अद्वितीय हल है। और अद्वितीय कैसे है, अपनी जो समीकरण की थी ए वन बटा में ए टू और वी वन बटा में बी टू, तो एक बटा में तीन आएगा और यहाँ से क्या आएगा, एक बटा में दो, क्या आएगा, एक बटा में तीन बराबर एक बटा में दो, दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो अपने इसको हल कर रही हैं। पहले आपको चेक करना है, पहले आपको पहले क्वेश्चन की तरह ही चेक करना है इसी तरह कि इसका क्या हल है। तो अपने चेक किया कि ये अद्वितीय हल है, फिर अपने इसको इस प्रकार मान निकाल लिए, दोनों समीकरणों से अलग अलग आपको मान निकालने हैं और मान वो निकालने हैं पॉइंटों में, नहीं पूरे पूरे वाले। फिर देखा ये दोनों के लिए कॉमन है, इसका उत्तर क्या हुआ, अद्वितीय हल है और ये क्या है, बराबर है, कॉमन है। और इसको आप इस प्रकार चेक करोगे, बाकी के जो क्वेश्चन है ना, इसके एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे देखो अपने एक क्वेश्चन और करते हैं दूसरे का ही। क्या दे रखा है आपको, 2x माइनस वाई बराबर चार दे रखा है और एक दे रखा है x प्लस वाई बराबर माइनस एक। अब यहाँ से जैसे 2x माइनस के y हैं, दूसरी साइड के इसमें चले गए प्लस में। अब यहाँ से देखो, जब y का मान आप 0 रखोगे तो 2x बराबर 0 प्लस 4, तो 2x बराबर कितना आ गया 4, तो x का मान कितना आ गया 4 बटा में 2 2, मतलब y का मान जब 0 है तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। y का मान 0 है जब x का मान 2 आ गया। अब y का मान 1 रखोगे तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5 में 2 का भाग नहीं जाता, गलत है। अब जब देखो y का मान आप 2 रखोगे तो 4 2 6, 6 में 2 का भाग चला जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 3। अब 3 रखोगे तो नहीं जाएगा, अब y का मान 4 के लिए, y का मान 4 रखोगे तो 4 और 4 8, 8 में 2 का भाग जाएगा, तो x का मान भी कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह इसको हल करो, x बराबर माइनस एक प्लस वाई। अब y का मान देखो 0 रखोगे, जब y का मान आप 0 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, माइनस का एक। अब जब y का मान 1 रखोगे तो x का मान क्या आएगा 0। अब y का मान 2 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, 2 में से 1 है 1। अब जब y का मान 3 रखोगे तो x का मान कितना आएगा 2। और y का मान जब 4 रखोगे तो 4 में से 1 गया, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह अपने देखते हैं कि जो मान है बराबर नहीं आ रहे, प्लस वाले तो नहीं आ रहे ना। अब देखो अपने माइनस में भी देख, तो y का मान माइनस में रख के देखते हैं। इसके लिए देखो y का मान अपने माइनस 1 रखें, तो माइनस 1 और माइनस 1, तो x का मान कितना हो गया, माइनस के ये सॉरी माइनस में आएगा, कि x बराबर माइनस 1 और माइनस y आएगा ना, तो y का मान 0, 1 में से 1 गया 0, घटा तो मैं रही हूँ, जैसे 2 माइनस के 3 आ जाएंगे, ये माइनस में आएंगे सारे, गलत हो गया सॉरी, माइनस के 3 है तो माइनस के 4 आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, माइनस के 5 आ जाएंगे। अब देखो जैसे माइनस 1 रखा, माइनस 1 y की जगह माइनस 1 रखा, तो x का मान फिर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, तो फिर x का मान कितना हो जाएगा 0। अब y का मान माइनस 2 रखा, तो देखो माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस 2, 2 में से 1 गया, तो x का मान कितना आ जाएगा 1। इसी तरह इसमें रख के देखते हैं, y का मान अपने रखें माइनस 1, y का मान रखा माइनस 1, माइनस 1 रखा तो माइनस 4 में से 1 जाएंगे तो 3, तो 3 में 2 का भाग नहीं जाता, तो ये गलत है। फिर y का मान रखा माइनस 2, y का मान रखा माइनस 2, तो 4 में से 2 हो गए तो क्या बचा 2, और 2 में 2 का भाग दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, दोनों बराबर हैं, तो यही क्या है, इन दोनों का हल हो गया। और अपने वो चीज़ देखो, 2 बटा में 1 और 1 बटा में 1, भी ए वन वी वन देखें तो 2 बटा में 1 आएगा और इसका क्या आएगा 1 बटा में 1, तो ये क्या है, बराबर नहीं है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है, तो इसका अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल क्या है, वो अपने निकाल लिए। आप प्लस वाले देखो थोड़ा सा, आप क्या काम करोगे कि 2-3 वैल्यू प्लस में रख के निकाल लिए और 2-3 वैल्यू माइनस में रख के निकाल लिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका हल कहाँ तक आएगा। जो प्लस वाला ना मिले तो माइनस में चले जाओ, और जब माइनस वाला ना मिले तो फिर प्लस में थोड़ा सा आगे चले जाओ। मतलब आपको कुल मिला के 5-6 वैल्यू निकालनी होगी, 3 वैल्यू तो प्लस में रख के देखो 0-1-2 तक, और वैसे ही -1 और -2 तक, इतने में आपको मतलब आइडिया आ जाएगा कि कब इसके मान समान होंगे और कब नहीं होंगे।
तो 4.1 के ये दो क्वेश्चन हैं वो आपके हो गए, और आगे के जो दो क्वेश्चन हैं वो अपने करेंगे। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कब अद्वितीय संगत है, कब कोई भी हल नहीं है, कब असीमित संगत है। तो धन्यवाद।